हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि सीजीएल 2019 प्री के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी इन इंडिया इज़ द फर्स्ट टू यूज़ म्यूनसिपल वेस्ट टू जनरेट पावर। भारत की किस शहर ने सबसे पहले नगर निगम के कचरे का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया? ऑप्शंस आर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत निम्नलिखित में से क्या जारी कर सकती है? ऑप्शंस आर अ डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, अ रिट या फिर अ नोटिफिकेशन, मतलब एक फरमान, एक अध्यादेश, एक लेखन या फिर एक सूचना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ रिट, यानी कि एक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट is not included in Capital Region Planning Council। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच इंसिडेंट इज पुष्कर उत्सव रिलेटेड। पुष्कर उत्सव किस घटना से संबंधित है? ऑप्शंस आर बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में कौन सा राज्य है जिसमें एक समान नागरिक संहिता है? ऑप्शंस आर मेघालय, केरला, हरियाणा या फिर गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द डिटेल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग ट्रीटीज। शासन काल का विवरण निम्न में से किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शंस आर धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर नीतिशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस आर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट ऑफ 5-ईयर प्लान। 5 साल योजना के प्रारूप को अंत में मंजूरी कौन देता है? ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, संसद और राज्य विधानसभा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवर्निटी वाज एडवोकेटेड बाय। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ऑप्शंस आर प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो या फिर ऑस्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, टू हूम कैन अ केस ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बी रेफर्ड टू। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला संदर्भित करने के लिए किसके पास जाता है? ऑप्शंस आर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के पास, पार्लियामेंट, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर कैबिनेट के पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 11,
Plural theory of sovereignty emphasizes the importance of बहुवचन संप्रभुता का सिद्धांत किस महत्व पर बल देता है? ऑप्शंस आर स्टेट, राज्य, रिलीजन, धर्म, इंडिविजुअल्स, व्यक्ति या फिर एसोसिएशन, संघ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशंस यानी कि संघ। क्वेश्चन नंबर 12, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू फुल टर्म्स। यहाँ पर इसकी हिंदी स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे भारत के, जिन्होंने दो बार पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था, मतलब कि 5 साल के लिए एक कार्यकाल और 5 साल के लिए दूसरा कार्यकाल, दोनों मिलाकर 10 साल के लिए वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रिंस ऑफ द शाक्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट रिलीजन। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? ऑप्शंस आर वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु या फिर अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एंड वेयर वाज द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा बॉर्न। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शंस आर 327 ईस्वी पूर्व सारनाथ में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईसा पूर्व गया में या फिर 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? ऑप्शंस आर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण या फिर उपयुक्त सभी कारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज कालीबंगा लोकेटेड। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? ऑप्शंस आर पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर या फिर प्रकृति पूजा पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मातृ देवी की पूजा पर। क्वेश्चन नंबर 18, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली मेड। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। ऑप्शंस आर लोहे के, पत्थर के, तांबा टीन और कांस्य के या फिर लोहे और कांस्य के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा टीन और कांस्य के। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द टर्म एनजीओ इज यूज्ड। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? ऑप्शंस आर अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 69 में या फिर अनुच्छेद 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 71 में यानी कि आर्टिकल 71 में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आर 10, 8, 6 या फिर 5। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर द उड़ान स्कीम इन विच स्टेट।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शंस आर कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात या फिर केरल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क हैज़ कम अप इन विच सिटी। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस शहर में आया है? ऑप्शंस आर हैदराबाद, पुणे, मुंबई या फिर चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 23, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, कुष्ठ रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है? जर्म्स के कारण, कीटाणुओं के कारण, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण, फंगी यानी कि कवक के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंगी यानी कि कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक बक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, चंदौली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारे आज की इस वीडियो के सभी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।